जहां एक और पूरे वर्ल्ड में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में महिलाओं की आज़ादी को पूरी तरह से रौंदा जा रहा है। जहां इस वक्त महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं, साथ ही अपने मुकाम को हासिल कर रही हैं, वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की हुकूमत के अंदर महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बीते साल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा जारी आदेश में अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से घर वापसी कराई गई। जो बाइडेन की सरकार का कहना था अफगानिस्तान में अमेरिकी सरकार का हर रोज $300 मिलियन खर्च होता है। इधर अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी हो रही थी तो दूसरी ओर तालिबानी हुकूमत की भी अफगानिस्तान में वापसी हो रही थी। पिछले 20 साल से अमेरिका और तालिबान में चल रही लड़ाई के बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत के सपने पे सफल होता दिख रहा था। 6 अगस्त को तालिबान ने पूरे जोर शोर से देश की राजधानी से सटे इलाकों में अपना हमला शुरू कर दिया। एक एक कर सभी इलाकों पर अपनी जीत के परचम को लहराते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 13 अगस्त को हैरत कंधार और लश्करगढ़ जैसे इलाकों पर लंबे समय से चली आ रही लड़ाई को जीत कर तालिबान ने कब्जा कर लिया। 15 अगस्त के दिन देश के राष्ट्रपति अशरफ गानी के देश छोड़कर भागने के साथ ही तालिबान ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। पूरी तरह से हुकूमत में आने के बाद तालिबान ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। एक बयान में तालिबान ने कहा था कि उनकी सरकार महिलाओं को भी सामान्य हक दिया करेगी, जो कि एक जुमले से कम नहीं था। तालिबान फिलहाल भुखमरी और बेरोजगारी के साथ ही गलत शासन की समस्या से जूझ रहा है। सरकार अपने किए वादे पर खरी नहीं उतर रही है, साथ ही महिलाओं के अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। अफगानिस्तान में लड़कियों के डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने के सपनों को तालिबानी सरकार द्वारा रौंद दिया जा रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने से रोका जा रहा है। तालिबान ने 12 साल की उम्र के बाद लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने, महिलाओं को रोजगार से प्रतिबंधित करने और महिलाओं को एक पुरुष के साथ घर से निकलने की आवश्यकता वाले कानून को लागू करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। पिछले 20 सालों में अफगान महिलाओं को मिलने वाले अधिकार खतरे में हैं, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी शामिल है। तालिबान ने 15 से 45 साल के बीच वाली उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि उनकी जबरन शादी तालिबानी लड़ाकों से कराई जा रही है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं प्लेन में भी बिना किसी पुरुष के यात्रा नहीं कर सकती। तालिबान के ये नियम इस बात की कड़ी चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और यह 1996 से 2001 के तालिबान के क्रूर शासन की याद दिलाता है, जब महिलाओं को लगातार ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन, रोजगार और शिक्षा से वंचित किया गया, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया और एक पुरुष संरक्षक या महरम के बिना उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यह दावा करने के बावजूद कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर अपना रुख बदल लिया है। बहरहाल देखना यह होगा तालिबान सरकार पर यूनाइटेड नेशन कोई सख्त कदम उठाती है या फिर से अफगानिस्तान में पहले जैसे क्रूर तालिबानी शासन का राज्य और भी मजबूत होता रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।